फ्रेंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर बनाने के लिए हमें इस तरह का पीवीसी पाइप चाहिए होगा जो कि बिजली फिटिंग में यूज़ होता है। और यहाँ पे 12 सेंटीमीटर पे मैं एक निशान लगा दूंगा पेंसिल से। और फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ पे इस तरह से कट कर देंगे। और दोस्तों, यहाँ से भी इसको मैं बीच से कट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसको मैं लेटर की मदद से थोड़ा सा इसको गर्म करूँगा और इसकी हम इस तरह से सीट बना देंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी सीट बन गई है। इसी तरह से हम 4-5 सीट बना देंगे। दोस्तों, यहाँ पे लेंगे हम एक स्पीकर, स्पीकर को यहाँ पे रखेंगे और इस सीट को इस तरह से कट कर देंगे। यहाँ पे हम स्विच के लिए कट करेंगे, यहाँ पे एक और स्विच लगाएंगे, उसके लिए हम कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने LED के लिए भी कुछ होल कर दिए हैं। यहाँ पर हमारी LED रहेगी और यहाँ पर हमारा ऑन ऑफ स्विच रहेगा। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे लेंगे एक एम्पलीफायर। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है, 30 वाट के स्पीकर को आसानी के साथ चला देता है। और यहाँ पे हमारा एम्पलीफायर इस तरह से अटैच होगा। फ्रेंड्स, इस एम्पलीफायर में ब्लूटूथ मॉड्यूल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे दूसरा स्विच लगाया है कि हम ब्लूटूथ मॉड्यूल इसमें अलग से लगाएंगे। और पहले इन कंपोनेंट्स को हम निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, और पहले इसका एक बॉक्स बना देते हैं इस तरह से। और इस बॉक्स को चिपकाने के लिए हम फेविक्विक का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने एक बैंड स्विच लगाया है, इसका काम क्या होगा, जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल रहेगा उसको ये ऑन ऑफ करेगा। जब हमें स्पीकर को ब्लूटूथ मोड में चलाना होगा तो इसको हम ऑन कर देंगे, और जब हमें ऑक्स मोड में चलाना होगा तो इसको हम ऑफ कर देंगे इस स्विच को। देखिए फ्रेंड्स, बॉक्स हमारा बन के तैयार हो गया और मैंने इसमें येलो कलर भी कर दिया है। फ्रेंड्स, अब हम इस पर स्पीकर लगाएंगे। स्पीकर को हम यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे फ्रेंड्स, और इसको भी मैं फेविक्विक की मदद से चिपका देता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे हमारा स्पीकर भी चिपक चुका है अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस बोर्ड में एक LED है, इसी LED से हम कनेक्शन कर देंगे, जो कि हमारी एक LED बाहर साइड लग जाएगी स्पीकर के, ताकि हमें पता चल सके ये बोर्ड ऑन है या ऑफ है। देखिए फ्रेंड्स, ये बोर्ड शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो मैंने यहाँ पे देखेंगे कि तो आप ये बोर्ड पूरा जल गया था यहाँ से, तो मैंने इसके एक वायर सोल्डिंग कर दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और फ्रेंड्स, अभी अच्छे से काम कर रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ब्लूटूथ स्पीकर बना रहे हैं, तो हमें एक ब्लूटूथ मॉड्यूल की आवश्यकता होगी। इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में मैंने 5 वायर सोल्डिंग कर दिए है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखेंगे, हमारा एक नेगेटिव रहेगा और एक पॉजिटिव रहेगा, इसको हम 5 वोल्ट से ऑपरेट करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक राइट स्पीकर के लिए और एक लेफ्ट स्पीकर के लिए, जिसमें AGND लिखा हुआ है, वो स्पीकर का ग्राउंड रहेगा। और दोस्तों, जहाँ पे हम पावर सप्लाई देंगे, उन दो वायर को पहले हम अलग कर देते हैं। अब हमारे पास 3 वायर बच गई हैं, जो कि हमारे यहाँ पे जो बोर्ड में हमारा ऑक्स का है, उसके बैक साइड में यहाँ पे देखो पिनें बनी हुई है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारे ये वायर, 3 वायर यहाँ पे हमारे सोल्डिंग हो जाएंगे। जो हमारा वाइट कलर का जो वायर है फ्रेंड्स, वो हमारे लेफ्ट स्पीकर में जाएगा, और जो हमारा ये रेड कलर का, उसे मैंने ग्राउंड स्पीकर का ग्राउंड कर रखा था, वो ग्राउंड में ही रहेगा। और फ्रेंड्स, जो हमारे पास ये येलो कलर का वायर है, ये हमारे राइट स्पीकर के लिए रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब जो हमारा बॉक्स रहेगा, जो बॉक्स को पैक करेंगे, ऊपर से ढक्कन रहेगा जो उसका, वहाँ पे हम एक स्पीकर और लगाएंगे, और इस स्पीकर को भी हम यहाँ पे फेविक्विक की मदद से चिपका देते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 3 18650 बैटरी ली है, क्योंकि हम इस स्पीकर को 12 वोल्ट से चलाएंगे, तो हमें यहाँ पे 3 बैटरी की आवश्यकता होगी। और यहाँ पे हम BMS लगाएंगे। फ्रेंड्स, बैटरी इधर उधर ना भागे, इसमें कनेक्शन करने के लिए आसानी हो, इसलिए यहाँ पे मैं एक टेप लगा दूंगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखिए फ्रेंड्स, हम पहले सेल का पॉजिटिव और दूसरे सेल का नेगेटिव एक साथ जोड़ देंगे, और दूसरे सेल का और तीसरे सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ जोड़ देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, सीरीज में हमारे कनेक्शन हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें 11.72 वोल्टेज शो हो रहा है। अब फ्रेंड्स हमारे पास दो वायर बच गई है, जो हमारे फर्स्ट सेल का नेगेटिव रहेगा और तीसरे सेल का पॉजिटिव रहेगा। तीसरे सेल का जो पॉजिटिव रहेगा उससे हम वो हमारा प्लस रहेगा, और जो फर्स्ट सेल का नेगेटिव रहेगा वो हमारा माइनस रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास दो वायरें हैं जो यहाँ पे देखिए 11.72 वोल्टेज हमारा आ रहा है, और यहाँ पे हमारे कनेक्शन सीरीज में कंप्लीट हो गए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम दो वायर, यहाँ पे जो हमने फर्स्ट और सेकंड सेल को सोल्डिंग किया था वहाँ से एक वायर ले लेंगे, और सेकंड और थर्ड सेल जो सोल्डिंग किया था वहाँ से भी एक वायर ले लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे इसके कनेक्शन करने हैं BMS में हमने। फ्रेंड्स BMS में कनेक्शन हमारे हो गए हैं। अभी 20 BMS को हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे और टेप की मदद से पैक कर देंगे। फ्रेंड्स अभी इस BMS में हमें दो पॉइंट बच गए हैं जहाँ पे P- और P+ लिखा हुआ है, वहाँ पे हम वायर को सोल्डिंग कर देंगे। यहाँ पे हमें तीन तीन वायर सोल्डिंग करनी होगी फ्रेंड्स, तीन ब्लैक और तीन तीन हमें रेड कलर के वायर सोल्डिंग करने होंगे। मैं आपको बाद में बता दूंगा कि वो आप कनेक्शन हमारे कहाँ कहाँ जाएंगे। फ्रेंड्स स्पीकर के पीछे साइड में हमें एक DC सॉकेट लगाना होगा जहाँ से हम इस स्पीकर को चार्ज करेंगे। चलिए फ्रेंड्स मैं इसको जल्दी से लगा देता हूँ यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे DC सॉकेट हमने लगा दिया है। अब यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स एक वायर कनेक्टर लगा दिया है जिस पे हम एक्सटर्नल जो हमारा स्पीकर रहेगा एक्स्ट्रा, उसे हम जोड़ सकते हैं, बाहर से हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी स्पीकर को। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे एक वायर कनेक्टर लगा दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा पास ब्लूटूथ मॉड्यूल है, क्योंकि ये ब्लूटूथ मॉड्यूल तो 5 बोर्ड से ऑपरेट होता है। फ्रेंड्स हमारे पास है 12 बोर्ड, तो उसके लिए अभी हम दूसरे कनेक्शन करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो बैटरी से जो हमारे तीन तीन वायर लिए थे हमने, तो उसमें से एक ब्लैक कलर का इसमें DC सॉकेट में नेगेटिव में लग जाएगा। और फ्रेंड्स जो हम BMS से P+ से एक वायर लेंगे वो हमारे DC सॉकेट के पॉजिटिव में आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाया था, फ्रेंड्स ये ब्लूटूथ मॉड्यूल तो 5 वोल्ट से चलता है, क्योंकि हमारे पास पावर सप्लाई तो 12 वोल्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7805 एक IC है हमारे पास, इसका इस्तेमाल करेंगे ब्लूटूथ मॉड्यूल को चलाने के लिए। फ्रेंड्स इस IC में हमारे पास तीन लग है, एक पे हमारा 12 वोल्ट लगेगा, बीच में ग्राउंड रहेगा, और जो हमारा तीसरे लग है वहाँ से हम 5 वोल्ट आउटपुट लेंगे। चलिए दोस्तों इसके कनेक्शन मैं करके दिखा देता हूँ आपको। पहले जो इसकी एक्स्ट्रा लग है उसको हम कट कर देते हैं। फ्रेंड्स अब जो हमारे ये बैटरी का जो पॉजिटिव वायर है जहाँ से हमारा 12 वोल्ट आएगा वो हमारी फर्स्ट लेग पे कनेक्ट होगा, और जो बैटरी का जो नेगेटिव वायर रहेगा जो माइनस रहेगा उसका नेगेटिव, और ये ब्लूटूथ मॉड्यूल का जो हमने नेगेटिव लगाया था इसको हम एक साथ ही जोड़ देंगे। फ्रेंड्स अलग अलग जोड़ने पे फिर ये निकल जाते हैं, तो हम एक साथ कनेक्ट करके इसको इस वाले लेग में जोड़ देंगे। और जो फ्रेंड्स ये जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल का पॉजिटिव वाला वायर रहेगा उसे हमारे तीसरी लेग पे जोड़ देंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है, 11 पॉइंट कुछ वोल्ट आ रहा है। जो हम ये जो हमने आउटपुट के लिए IC के लिए आता है यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट शो करेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट ये IC अच्छे से काम कर रही है। और फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे एक स्पीकर के कनेक्शन कर लेते हैं। पहले जो फ्रेंड्स हमने एक्स्ट्रा स्पीकर के लिए एक वायर कनेक्टर लगाया था उसको, उसका माइनस वाला वायर और स्पीकर का माइनस वाला वायर, इनको हम एक साथ जोड़ लेते हैं। इसी तरह से हम पॉजिटिव को भी एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे पास एम्पलीफायर है, यहाँ पे जो एम्पलीफायर में जो लेफ्ट स्पीकर के लिए जाएगा वहाँ पे हम इन वायरों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे, और माइनस को माइनस वाले टर्मिनल में और प्लस को प्लस वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे, और इनको अभी हम कस देते हैं। अब फ्रेंड्स हम क्या, अभी हम इस एम्पलीफायर को लगा देते हैं। ये वाले ये स्पीकर नीचे था इसलिए ये बाद में लगता नहीं, इसलिए मैंने इसको पहले ही इसके वायर कनेक्ट कर दिए हैं फ्रेंड्स इस स्पीकर के। और फ्रेंड्स इस तरह से हमारा यहाँ पे एम्पलीफायर लग जाएगा।
और इसका हम यहाँ से नेट कस देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक स्विच लगाया था जिससे कि हम अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल को ऑन ऑफ करेंगे। और दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे हमें तीन तीन वायर सोल्डिंग करने होंगे। अभी तक मैंने यहाँ पे दो 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 ही वायर सोल्डिंग किया है था दो दो, अब यहाँ पे हम तीसरा वायर भी सोल्डिंग कर देंगे। फ्रेंड जो हम यहाँ पे तीसरा वायर सोल्डिंग करेंगे वो हमारे डायरेक्ट एम्पलीफायर में जाएंगे, जो कि हम टर्बोर्ड से एम्पलीफायर को चलाएंगे। दोस्तों जो हमारे यहाँ से हमने जो माइनस वाला वायर लिया है जो वो हमारे एम्पलीफायर के माइनस वाले टर्मिनल में चला जाएगा, और जो हम यहाँ से एक पॉजिटिव वायर लेंगे फ्रेंड्स वो हमारा स्विच से होके एम्पलीफायर में जाएगा। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे जो पॉजिटिव वायर है एक तो हमारे स्विच के दूसरे वाले उसमें मैं प्लग कर देता हूँ, और जो हमारा ये मतलब ये है फ्रेंड्स ये जो हमने पॉजिटिव वायर आएगा बैटरी से वो हमारे स्विच से होके ही एम्पलीफायर में जाएगा ताकि हम एम्पलीफायर को ऑन ऑफ कर सकें। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यहाँ तक हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब ये 7805 जो हमने आईसी लगाए हैं इसको हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। इसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक छोटा सा हीट सिंक लूँगा और इसको नेट से यहाँ पे इसमें इसको इस तरह से नेट से कस देंगे और ताकि ये आईसी यहाँ पे फिक्स हो सके। फ्रेंड्स जो इस एम्पलीफायर को पैक करने का जो ढक्कन रहेगा वहाँ पे हमने एक स्पीकर लगाया था उसके भी हम कनेक्शन कर देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव वाला रहेगा वो हमारे लेफ्ट स्पीकर के जो कनेक्टर है उसमें हम दोनों वायर को कनेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इस ढक्कन को यहाँ पे पैक कर देंगे इस स्पीकर को, और देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारा स्पीकर लगेगा। और जो इसका वॉल्यूम का बटन था उसको भी मैं लगा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम को हम अप डाउन कर सकते हैं। इसके बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा स्पीकर चार्ज होगा और यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा स्पीकर को भी जोड़ सकते हैं। चले फ्रेंड्स अब इसकी टेस्टिंग पे आते हैं। इसको ऑन करने पे इसकी ग्रीन लाइट शो होगी और इसको ब्लूटूथ मोड में डाल देते हैं। अब हम इसको मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। फ्रेंड यहाँ पे हम ब्लूटूथ को ऑन करेंगे। अब इसका साउंड टेस्ट मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा लाइव कि कितना अच्छा साउंड टेस्ट है इसका। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारा स्पीकर कनेक्ट हो गया है। अब इसकी साउंड सुनिए आप कितनी अच्छी साउंड है इसकी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने स्पीकर को बंद कर दिया है। इसका ब्लूटूथ मोड को भी हम ऑफ कर देते हैं। अभी फ्रेंड्स हम इसे ऑक्स केबल से चला के देखेंगे तो इसका साउंड टेस्ट कैसा आता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं मोबाइल से कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं मोबाइल से प्ले करता हूँ तो ये ऑक्स से चलेगा।